तो आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत एक ही महाभारत लड़ता है और वो झूठ और फरेब के खिलाफ है, वो सच्चाई की महाभारत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत को डराने की, धमकाने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को नाकाम कर देगा आपका समर्थन, आपका प्यार। आपने सुना अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे थे कि किस तरह से जो सुशांत की आवाज उठाए, जो पालघर के साधुओं की आवाज उठाए, उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत आपका अपना चैनल है, ये डर और बौखलाहट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग डर और फरेब से आगे जाना चाहते हैं, उनको करारा जवाब रिपब्लिक भारत अपनी रिपोर्टिंग से देगा, अपनी सच्ची खबरों से देगा, उन खबरों से देगा जिनको समर्थन आप करते हैं। रिपब्लिक टीवी का बयान आप लगातार देख रहे हैं, रिपब्लिक टीवी का, रिपब्लिक भारत का ये बयान, अर्नब गोस्वामी की तरफ से ये बयान आपने सुना। रोक सको तो रोक लो, सच्ची पत्रकारिता को रोकने की ये कोशिश कब तक चलेगी? उस कोशिश को जवाब आप देंगे। हमारे जन समर्थन से अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत को किस तरह से इस बौखलाहट के रूप में आप देख रहे हैं? रिपब्लिक भारत को क्या आपने समर्थन नहीं दिया है, आपने प्यार नहीं दिया है? पिछले कई हफ्तों से रिपब्लिक भारत के साथ दिनों दिन आप जुड़ते रहे हैं, दिनों दिन आप जुड़ते रहे हैं। और जिस तरह से रिपब्लिक भारत के साथ आप जुड़े हैं, ये जन समर्थन जुड़ा है, उसी वजह से खीज है, उसी वजह से डर है, उसी वजह से बौखलाहट है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जो बात कह रहे थे वो आपकी बात है। अगर पालघर का मुद्दा उठाया तो क्या गलत किया? अगर सुशांत के इंसाफ की आवाज उठाई तो क्या गलत किया? उन आवाजों को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, उनका बयान हम आपको सुनवा रहे थे। हमारे साथ निधि जुड़ रही है। निधि, मुझे लगता है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सच्ची पत्रकारिता की लड़ाई है। अगर दम है तो पत्रकारिता में जवाब दे। बिल्कुल, अगर दम है तो पत्रकारिता के साथ जवाब दें। और जो 109 दिनों से हमने लड़ाई जारी रखी सुचारिता, ये एक तरह से जवाब है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को, जो कि बदले की कार्रवाई, जलने की कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि हमने डंके की चोट पर सुशांत का मुद्दा उठाया, हमने आशुतोष डंके की चोट पर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सामान्य नहीं थी, उसकी हत्या की गई, एक एक करके कई खुलासे किए। हमने आशुतोष सबसे पहले मुद्दा उठाया, किसी चैनल ने ये मुद्दा नहीं उठाया था, किसी चैनल में ये मादा नहीं था कि वो साफ तौर पर सामने आके इतने बड़े बड़े खुलासे कर सके। बिल्कुल निधि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले दिन से इस केस को क्लोज करने की ठान ली थी, आत्महत्या करार देकर इस केस को बंद करने की ठानी थी। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये पहला देश का चैनल था जो सच्चाई देश के सामने, दुनिया के सामने लेकर आया था और कहा था कि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, और पूरे नेक्सस को सामने लेकर आए थे, तमाम कड़ियों को जोड़ा। तब NCB, तब ED, तब जो है CBI सब मिलकर एक साथ जांच पर लगी। उसके बाद से और एक दो बातें हैं, क्या ये लगातार दो महीने से नंबर वन पर बने रहने की वजह से है? ये खीज है, ये खीज है, ये बौखलाहट है, ये डर है। हम ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का नाम लिए बिना, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम लिए बिना क्या कुछ चैनल आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि आज देखिए हर पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम ले रहा है। क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का नाम लिए बिना ये पत्रकार आगे नहीं बढ़ सकते, ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकते। प्रदीप भंडारी लगातार मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहा है। प्रदीप, आपने तो सड़कों पर जन समर्थन देखा है, आपने तो लोगों का प्यार देखा है रिपब्लिक भारत के लिए, किस तरह से लोग फूल लेकर, गुलदस्ते लेकर आ रहे हैं कवरेज के लिए, बताइए लोगों को ये। प्रदीप, अरे सुचारिता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झूठे मक्कार लोग जो ये कहते हैं कि अर्नब का, रिपब्लिक का हम लोगों पे अटैक करके ये चैनल को बंद करेंगे क्योंकि हमने सुशांत की बात करी, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पालघर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अर्नब जो है हाथरस में झूठ एक्सपोज कर रहे हैं, ये सब दलाल मीडिया जिनका खाना पीना, जिनको 2 रुपए की TRP से इसीलिए आती है क्योंकि अर्नब गोस्वामी का नाम लेते हैं। अरे परमबीर सिंह में दम है तो अपनी यूनिफॉर्म के बगैर सड़कों पर निकले। मैं आपको दावा करना चाहता हूँ, जनता बताएगी इज्जत किसकी है। अरे 100 पुलिस कमिश्नर
कमिश्नर आते हैं सुचारिता, 100 पुलिस कमिश्नर जाएंगे, पर सच हमेशा बना रहता है। और सच यही है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर अर्नब ने और हम सब ने सिर्फ सच और सच सुशांत की बात की है, ये क्या रोकेंगे? 100 पुलिस वाले लाएंगे, 1000 पुलिस वाले लाएंगे। मैं सब मुंबई की सड़कों पे हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इतने सारे लोग हम आए हुए हैं पिछले 15 मिनट में, आए फिर आदमी जो रिपब्लिक देख के बोल रहा है आपके साथ है, आपके साथ है, मैं सबके सब लोग। यही तो बड़ी बात है प्रदीप, यही बड़ी बात है जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। अगर हम इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते हैं तो वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, क्योंकि हमने उस केस को जिया है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई हो, चाहे वो पालघर का मामला हो जिसमें साधुओं की आवाज रिपब्लिक भारत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बना, वहां देखिए हाथरस में कैसे पूरे गिद्ध गैंग को एक्सपोज कर दिया, लेकिन लोगों को ये पच नहीं रहा है, क्योंकि ये देश को अलग दिशा दिखाने वाली पत्रकारिता है। आप कर सकते हैं हिम्मत तो करिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से फील्ड में रिपोर्टिंग में आकर देखिए, उसी तरह चुनौती दीजिए जिसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ताल ठोक रहा है। प्रदीप, मैं गलत कह रही हूं क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुचारिता, क्योंकि आप भी बॉम्बे पे थी। हमने क्या कहा? हमने सिर्फ और सिर्फ सुशांत के सच की लड़ाई लड़ी, हमने इनके पीछा के नेताओं को एक्सपोज किया। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए प्रदीप, बोलिए। सुचारिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप खुद बंबई की सड़कों पे थी, आपने देखा था किस तरीके से लोग 100-100 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर आके रिपब्लिक के सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को समर्थन कर रहे थे। और ये बंबई पुलिस कमिश्नर जिसने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं, जो उठा के अपने नेताओं की बैकिंग करते हैं, जिसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ झूठा केस किया था, अरे एल एन वोरा कमेटी की जब रिपोर्ट खुलेगी तो ये सब के सब जो होंगे ना, कहां जाएंगे? जेल में जाएंगे। और ये जब सब के सब, मैं बॉम्बे से कहना चाहता हूं कि इनमें दम नहीं है रोकने का, क्योंकि सच हमारे साथ है, फैक्ट्स हमारे साथ है, ये क्या रोकेंगे? 100 कमिश्नर आएंगे, 100 जाएंगे, पर एक रिपब्लिक था, एक रिपब्लिक है और एक रिपब्लिक रहेगा सुचारिता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस न्यूज रूम जा रही हूं। मैं निधि, मुझे ये बताइए, ये जो बात प्रदीप भंडारी कह रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो आवाज उठाई है, उस आवाज से डर है क्या आपको? आप बिना अर्नब गोस्वामी का नाम लिए क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को अटैक करना है, उस पर हमला करना है, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क वो पत्रकारिता करता है जो आपके बस की नहीं है। बिल्कुल सुचारिता, ये फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश थी, और एक बड़ा जन समर्थन मैं बताना चाहूंगी, एक बड़ा जन समर्थन इस वक्त अर्नब गोस्वामी के साथ है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ के साथ। आशुतोष, देखिए स्क्रीन दिखाते हैं, आई स्टैंड विद अर्नब, और एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ गया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, एक के बाद एक कई ट्वीट हैं जिसमें आई स्टैंड विद अर्नब, हैशटैग आई स्टैंड विद अर्नब, ये लोगों का जन समर्थन है, लोगों का प्यार है। और लोग भी जानते हैं आशुतोष, ये भी सामने आया कि मुंबई पुलिस शेम ऑन मुंबई पुलिस, क्योंकि वो अपना हित नहीं साध पाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कार्रवाई कर दी। हैशटैग चल रहा है शेम ऑन मुंबई पुलिस, देखिए बड़ी बात है, मुंबई पुलिस, हैशटैग शेम ऑन मुंबई पुलिस, आई स्टैंड विद अर्नब, आई स्टैंड विद रिपब्लिक, मुंबई पुलिस पर देखिए ये किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है मुंबई पुलिस को, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार किस तरह से एक पूरी नक्सस बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और लगातार जिस तरह से सच का मुहिम जारी है उससे बेचैनी इनकी सामने आती है, बिना तथ्य बिना आधार के किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन चुनौती दी गई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से, अर्नब गोस्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा, आप तैयार रहें, क्योंकि कोई तथ्य कोई फैक्ट आपके पास नहीं है। और सोशल साइट्स पर देश की तरफ से भारत की जनता लगातार समर्थन कर रही है, और देखिए कई सारे ट्रेंड्स इस वक्त हैशटैग के साथ वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं। आई स्टैंड, मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूं प्रदीप, मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूं, हमारे दर्शक भी इस बात को समझे, क्या पैसे देकर रेटिंग खरीदी जाती है? जो 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 निम्न स्तर का आरोप लगा रहा है, यानी जो चैनल अभी तक नंबर वन पर थे, या फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के शुरू होने से पहले जो नंबर वन पर थे, वो पैसे देकर क्या नंबर वन पर थे? प्रदीप भंडारी,
सुचारिता, ये जो तक वाले हैं जो कहते थे 18 साल 18 साल 18 साल, तो क्या ये तक वालों ने 18 साल तक हर महीने पैसे दिए थे क्या बार को? ये फर्जी बातें करते रहते हैं, इनका गमन चूर हो गया, ये जनता से दूर हो गए। हाथरस जाते हैं इनको जनता हाय करती है, बंबई जाते हैं इनको जनता हाय करती है। और जब इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने के न्यूज रूम पे एक एक बंदे की मेहनत से जनता का समर्थन जीता है, तो ये घमंडी दलालों को दिक्कत हो चुकी है और ये एक पत्रकार के ऊपर FIR कर रहे हैं। अरे किस निम्न स्तर तक गिरेंगे? इससे घटिया, इससे गंदे लोग नहीं है ये। आप जो बातें आप बता रहे हैं प्रदीप, मैं खुलकर कह रही हूं कि झूठ के खिलाफ, फरेब के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए जन समर्थन हमें हौसला देता है। अगर जन समर्थन रिपब्लिक भारत को मिल रहा है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिल रहा है, तो क्यों हजम नहीं हो रहा है आपको? क्यों आपको वो पच नहीं रहा है? क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने क्या किसी और चैनल के नंबर वन होने पर सवाल उठाए कभी? मेहनत से जो पत्रकार अपने आप आगे आए उन पर सवाल क्यों? क्योंकि आपको हजम नहीं हो रहा है कि कोई चैनल नंबर वन बन गया इतने लंबे समय तक, किस तरह जन समर्थन मिला है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार मुंबई से दिखा रहे थे, रिपब्लिक टीवी का बयान हम दिखा रहे हैं प्रदीप, रिपब्लिक टीवी का बयान, और वो सारी आवाजें एक-एक करके हमारे साथ जुड़ेंगी जो इस लड़ाई में हमारे साथ रही हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ रही हैं। मैं ये भी कहूंगी कि जैसे जैसे आवाजें हमारे साथ जुड़े हमें बताते रहिए, क्योंकि हम जाएंगे, हम चाहते हैं उन आवाजों को भी सुनवाएं जो रिपब्लिक मीडिया के नेटवर्क के साथ इस लड़ाई में आगे रही है प्रदीप। लेकिन ये जरूर बताइए कि वो जन समर्थन सिर्फ मुंबई की सड़कों पर नहीं, वो जन समर्थन हर उस खबर पर मिला है जिस पर हमने सच्ची पत्रकारिता की है प्रदीप। सुचारिता बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप भी, मैं वापस से कहना चाहता हूं, ये सब लोगों को दिक्कत ये है क्योंकि हम सत्ता से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं। ये सब लोग जाके उठा के अपने चाय पार्टी, चाय बिस्कुट वाली पत्रकारिता करते थे, और इस वक्त अर्णव ने और आप सब पूरी टीम ने सच को सच का सुशांत के लिए 100 से ज्यादा दिन तक कैंपेन लगा, तो इनको दिक्कत हो गई और ये ऐसे झूठे कॉन्स्पिरेसी कर रहे। पहली बार ऐसा होगा कि एक सत्ता के साथ दलाल मीडिया मिलकर एक अपने खुद पत्रकार को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे। शर्म आनी चाहिए, कोर्ट में ये मुंह की खाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस को हमने मुंबई की सड़कों से उठाया, तो बहुत से पत्रकारों ने उस पत्रकारिता पर सवाल उठाए। लेकिन अब देखिए प्रदीप, देखिए वही पत्रकार अब किस तरह से सड़कों पर घूम घूम कर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसे देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं वो किस तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की नकल करते हैं, वो भी दिख रहा है, ये खींच भी दिख रही है प्रदीप। सुचारिता, ये नकलची बंदर जिनको सच को चिल्ला के पूछने में दम नहीं होता, वो हमारी रिपोर्टिंग पर सवाल पूछते हैं, वो अर्णव की रिपोर्टिंग पर सवाल पूछते हैं, इनमें दम है? अगर इनमें दम है तो पूछे कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के बारे में, पूछे पालघर के बारे में। ये हाथरस में जाते हैं और मिलते हैं दंगाइयों के साथ में, और जब हम इसको एक्सपोज करते हैं तो ये अपने खुद के पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर वाहवाही लूटते हैं झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे घटिया सुचारिता, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तब आप ये याद रखिएगा, यह अध्याय लिखा जाएगा कैसे एक पत्रकार ने और उसके साथ में जनता के समर्थन ने यह सत्ता की ताकत और दलाल मीडिया को हराया था। मैं तो कहता हूं कि यह हमको और मजबूत करेगा, यह दलालों को रोक नहीं पाएंगे हमें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात निधि, सबसे बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या कोई और काम नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है जनता की? मैं तो महाराष्ट्र के लोगों से पूछ रही हूं कि क्या कोई समस्याएं नहीं है महाराष्ट्र में कि एक फर्जी आरोप को लेकर वहां के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए? मैं सिर्फ महाराष्ट्र की जनता से यह जानना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं परमवीर सिंह, और वो भी इस पूरे दौरान सुशांत सिंह राजपूत की जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मुंबई पुलिस ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की हम सबने देखा, उस पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचारिता आप, और महाराष्ट्र की जनता पल पल रिपब्लिक भारत देख रही है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रही है, उनका जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज जो कहा, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बदले की कार्रवाई के तहत कहा गया। और आप खुद जानती हैं कि 109 दिनों से हम लगातार एक एक करके खुलासा कर रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस मामले में डिगेगा नहीं और आगे कार्रवाई भी करेगा। हम ये देख रहे हैं कि कैसे पहले दिन से मुंबई पुलिस ने ये कोशिश की कि इस केस की फाइल बंद हो जाए, इस केस को
बंद कर दिया जाए। और जब मुंबई पुलिस ने कोशिश की और सीबीआई को केस मिला था, तब मुंबई पुलिस के चेहरे पर ये बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि सीबीआई पल पल इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा करने वाली थी। ये सिर्फ झूठ को देखिए, सच सामने ना आ पाए इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। किस तरह से झूठ का पुलिंदा सिर्फ तैयार किया जा रहा है। डे वन से, पहले दिन से इस फाइल को क्लोज करने की फिराक में थी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, लेकिन सच्चाई दिखाया गया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देश के जनता के सामने लेकर आई और उसके बाद से किस तरह से न्याय की आवाज बुलंद हुई, तीन कड़ियां मिली, सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब एक साथ लगे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बदौलत ही हुआ कि सच्चाई सामने आने लगी। इसी से घबराई हुई महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, क्योंकि कई सारे नाम थे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए लगातार किस तरह से बिना फैक्ट, बिना तथ्य के इस तरह के निराधार आरोप लगाकर देश को बरगलाने की कोशिश, लेकिन सच्चाई लगातार निधि जारी है। इतना बड़ा ड्रग नेक्सस सुचारिता निकलकर सामने आ गया, ड्रग कार्टेल निकलकर सामने आ गया। क्या मुंबई पुलिस चाहती तो पहले दिन से कार्रवाई नहीं करती? ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार मुंबई क्यों जा रही हूँ? प्रदीप भंडारी हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मेरे साथ अनुजा कपूर जुड़ गई है। अनुजा कपूर ने लगातार इस लड़ाई को समर्थन दिया जो सुशांत की लड़ाई हमने लड़ी। अनुजा आज उसी चैनल को टारगेट कर रहे हैं जो सवाल जो सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। आप भी तो वॉरियर रही हैं अनुजा। तो ठीक है ना, बढ़िया है सुचारिता, तो ठीक है ना, बढ़िया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। मैं तो कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे आप लोगों को तो मजे करने चाहिए, आप लोग फिर नंबर वन हो। ये तो आपको टीआरपी दे ही रहे हैं और आप टीआरपी लेते रहो, क्योंकि आप लोगों ने तो गलत किया नहीं। जब हमारे जैसे लोग आपके साथ खड़े तो डरते क्यों यार? हम खड़े ना आपके साथ। आप मुझे ये बात बताओ, टीआरपी सिर्फ आपको मिली? ये बात गलत होगी कहना, पर मैं यहाँ पर ये बात कहूंगी। आप मानेंगे कि ट्विटर पे मुझे कितना प्यार मिला। मेरा जो ट्विटर का हैंडल कुछ नंबर पे था और उसके बाद वो बहुत अच्छे नंबर पे गया, और सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ। देखिए मैं ये कहूंगी कि तो क्या हम लोगों ने भी पैसे दिए? हम लोगों ने पैसे दिए जाकर? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? अरे आप चैनल सच दिखाएगा तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? तकलीफ तो होगी जब आपका चैनल सच दिखाएगा। पर दिखाना चाहते हैं कि पैसे से टीआरपी मिलती है, वो तो खुद अपने गिरेबा में जाके, क्योंकि अभी तक जो चैनल नंबर वन थे रिपब्लिक भारत के आने से पहले, वो मेरे दर्शक समझे कि आप पैसे देकर नंबर वन बने हुए थे। ये तो खुद सवाल उनसे बनता है, खुद जवाब। आप मुझे बताओ सुचारिता, मुझे आप एक बात ये बताओ। देखो आपको इस बात के बारे में एक मिनट सोचना नहीं चाहिए। उल्टा जितने रिपोर्टर्स हैं, मैं उन सबको हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप लोगों ने इतने मुश्किल से पूरे थ्रू आउट, मैंने देखा है ना, थ्रू आउट हम लोगों ने देखा यार 110 दिन मजाक है, बारिश थी, आप किस तरीके से भीगते रहे, खाना पानी पीने, मुझे पता है हम लोग बैठे जंतर मंतर पे बैठे थे, हमें हालत मालूम है। आप लोगों ने अपने ना घर गए आप लोग, ना आप लोगों को कुछ पता चला कैसे करना है, आपने थ्रू आउट इसमें करते रहे। यार अगर आप लोग को प्यार और सम्मान मिला है ना, तो वो जनता बता देगी, जनता ही तो दे रही थी प्यार और सम्मान। अरे इतना आक्रोश है, उनको बोलो ना बैठ के देखो ट्विटर पे, बैठ के देखो ट्विटर के हैंडल को देखो, अरे सड़कों पर उतर के देखो। मैं तो खुलकर ये कहती हूँ, कि एक-एक पत्रकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक-एक पत्रकार किस तरह से सड़क पर उतर कर ये जन समर्थन ये रिपोर्टिंग की है, और ये जन समर्थन ऐसे ही हासिल नहीं होता है। अनन्या आप खुद गई थी, आप जंतर मंतर पर थी, आपने देखा, ये जन समर्थन ऐसे ही हासिल नहीं होता है सिर्फ बैठ कर किसी चैनल पर सवाल उठाने से। सड़कों पर उतर कर करिए ना काम। अनन्या आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये रिपब्लिक, अनन्या की आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन 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 स्वामी दीपांकर को भी आप देख रहे हैं, अगर उनकी आवाज आएगी तो हम उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि पाल घर का मुद्दा किस चैनल ने उठाया, किस चैनल ने साधुओं की आवाज उठाई, मैं तो खुलकर कहती हूं और खुलकर कह रहे हैं कि पाल घर का मुद्दा हो, सुशांत के इंसाफ की लड़ाई हो, वहां पर हाथरस में किस तरह से गिद्ध गैंग हावी हो गया वो भी हमने आपको दिखाया, शाहीन बाग की सच्चाई किसने सामने रखी, जिस चैनल ने एक एक लड़ाई आगे फ्रंट फुट पर आकर लड़ी हो, उस चैनल पर बहुत आसान है अनन्या इस तरह के आरोप लगा दीजिए। आपको लगता है आप हौसला तोड़ देंगे?
रोक सको तो रोक लो, कह रहे हैं अर्णब गोस्वामी। रोक सको तो रोक लो ममता काले, खुलकर कह रहे हैं हम। ममता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे लग रहा आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये बात आपको बता रही हूं कि जो चैनल ये दावा करते हैं किस तरह से एक पुलिस कमिश्नर क्यों आवाज उठा रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मैं तो महाराष्ट्र की जनता से पूछ रही हूं कि महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है कि एक पुलिस कमिश्नर आकर सीधे सीधे ये सवाल उठाने लगे, ये सीधे सीधे एक चैनल को टारगेट करने के लिए आए थे। ये मेरे दर्शक खुद सोचे, क्या मुझे कुछ कहना है अनुजा? ये तो हमारे दर्शक खुद सोचेंगे। देखिए, हम लोगों ने नारे लगाए थे जंतर मंतर पे, ऐसे ही मुर्दाबाद नहीं लगाए थे। रीजन था उसके पीछे मुर्दाबाद लगाने का, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का काम नहीं है। आप ये देखिए, कभी वहां पे पुलिस कमिश्नर से की बात करते हैं, कभी अनिल देशमुख आके ये बात इस तरह की बात करते हैं, संजय राउत इस तरह की बात करते हैं, शोभा देती है, क्या इनको इस तरह की बातें करनी? आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी तक? आप लोग के में इतना क्राइम रेट हाई है, क्या किया आप लोगों ने अभी तक? उसका बात ना करके ड्रग कार्टल के बारे में आप बात करिए। अब ड्रग कार्टल आपके आप ही का गवर्नमेंट है ना वहां पे, कैसे ड्रग कार्टल इतना चल रहा है? क्या किया आपने उसकी कभी करवाई आपने? कभी आपने इस तरह का बॉलीवुड में एनसीबी ने आके आपकी धज्जियां उड़ा दी, एनसीबी ने आके धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद आपने पैसे देने शुरू कर दिए सारी जगह, एम्स को पैसे दे दिए आपने, हर जगह पर पैसे दे दिए, रिया को भी बाहर बुला लिया। भैया सब चीजें जो चीजें सामने नजर आ रही है वो क्या हम लोगों को दिख नहीं रही है क्या? क्या ये जो क्राइम है, आप क्या क्राइम सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहा है कि क्योंकि ये एक चैनल है, इसे दबा लो और इस चैनल को दबा दो, आप इतना दबा दो कि ये उठने की कोशिश नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। स्वामी दीपांकर जुड़ गए मेरे साथ, अनुजा अनुजा स्वामी दीपांकर के पास जा रही हूँ। स्वामी दीपांकर, एक चैनल एक आवाज अर्णब गोस्वामी की, जिसने पालघर पर आवाज उठाई, बार बार उठाई, वो आवाज भी लोगों को पसंद नहीं आई, वो आवाज भी उन्हें पची नहीं कि किस तरह से पालघर की आवाज उठ रही थी। मैं पूछ रही हूं उस चैनल पर हमला करने की वजह क्या है? सुचारिता, सत्य के उठे स्वर हर किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि जब आप सत्य दिखाते हैं पालघर की घटना पर तो वो लोगों को पसंद नहीं आता। उसके पीछे का कारण ये होता है कि आज तक इस देश ने संतों को या संतों के सम्मान को, छोड़िए संतों की मृत्यु तक को सम्मान नहीं दिया। और सम्मान की बताइए ना कितने लोगों ने संतों के लिए, पालघर के लिए यह कहा, जब आर भारत कह रहा था कि संतों के हत्यारे को भी सजा होनी चाहिए, कितने लोगों ने इस बात को आपके स्वर में स्वर मिलाकर कहा, जो आज तमाम लोग कह रहे हैं उस बेटी के साथ जो बर्बरता हुई, जरूर आप उनके गुनहगारों को भी सजा दें, मगर उस समय में कितने लोगों ने सुचारिता कहा था कि पालघर की सीबीआई जांच होनी चाहिए? शायद मुझे लगता है कि टिप्स पर भी गिन सकती हो, मगर आज वही लोग जब उस समय के सत्य के स्वर को दबा ना सके तो आज कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र होगा। पर मुझे लगता है सुचारिता कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सत्य की कोई संतान नहीं होती, सत्य ब्रह्मचारी है, एक सत्य बोलो पूरा होता, अपने में पूरा होता है, उसी में सुख है, उसी में छंद है और उसी में राष्ट्र है, और आपका तो प्रथम स्वर है भूल गए। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें आती जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है स्वामी दीपांकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन ये कुछ लोग ही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ लोग ही हैं जो कह रहे हैं। प्रदीप मेरे साथ जुड़े हुए, मैं एक बार प्रदीप के पास फिर से जाऊंगी। स्वामी दीपांकर हमारे साथ है, अनुजा हमारे साथ है, ममता काले जुड़ रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रदीप, मैं ये कह रही हूँ कि ये टीआरपी के लिए खेल दिखाने की जरूरत उन चैनल्स को पड़ रही है जो झुंझला चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा नंबर वन होने की बात करते आए, लेकिन उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि भाई इतने समय तक हम नंबर वन नहीं है। एक चैनल ऐसा है जिसने लोगों का प्यार हासिल कर आपको धकेल दिया है पीछे, आप हजम नहीं कर पा रहे हैं ये बात। सुचारिता, ये लोग जनता को गाली बक रहे हैं, ये लोग देश की जनता को मूर्ख कह रहे हैं। वही जनता जिनने इनको पहले नंबर वन बताया था, उस जनता ने अब रिपब्लिक को प्यार दिया, क्योंकि इनकी झूठी दलाली एक्सपोज हो गई, क्योंकि इन लोग ने ताहिर हुसैन के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये लोग जाके शहीन बाग वालों के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये लोग सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये हाथरस में दंगाई फैला रहे थे, तो अब जनता ने इनका समर्थन छीन लिया, तो ये तड़प रहे वैसे जैसे एक मछली तड़पती है पानी के बगैर, और अपनी ट्रोल आ
आर्मी अपने फेवरेट पुलिस कमिश्नर के साथ झूठे केसेस करते हैं अर्नब पे। अरे ऐसे ही पहले आए थे, ऐसे ही 100 लोग पहले आए 100 गए, पर अर्नब अब रिपब्लिक था है और रहा। सुचारिता ये कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इनमें दम है तो जनता का समर्थन जीते, दलाली बंद करे। देखिए मैं चाहती हूँ प्रदीप मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस बात को समझे, जो रेटिंग की बात ये बार बार करते हैं, जिस रेटिंग पर ये सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर भी नहीं, उस संस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसकी रेटिंग के दम पर कितनी बार इन्होंने अपनी वाहवाही की है, उस संस्था पर भी आप आवाज उठा रहे हैं, तो सीधे खुद पर आवाज उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी ममता काले अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, सीधे आप इतने, आप जब नंबर वन रहते हैं या आप जब उस रेटिंग को उछालते हैं अपने चैनलों पर, तो फिर वो सही है, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अगर नंबर वन है और लंबे समय तक नंबर वन है तो सब गलत है। जनता बेवकूफ नहीं है ना। अर्नब गोस्वामी पर और आप सब पर बहुत गर्व है, आप लोग वो लोग हो जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे हो, चाहे पाल घर के संत महाराजाओं का लड़ाई हो जैसे अभी आदरणीय स्वामी जी ने बोला, चाहे दिशा के केस को रीओपन कराने की बात हो, चाहे सुशांत की लड़ाई हो, नार्कोटिक्स की लड़ाई, और सबसे बड़ी बात इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी, इनको क्या होता था ना सुचरिता, 10 बजे हर दिन, 2 दिन से 10 बजे सुबह विस्फोटक खुलासे हो रहे थे, तो ये क्या करते थे रात बोल के हम चले जाते थे कि 10 बजे देखिए क्या होगा, और पूरी रात ये लोग सो नहीं पाते थे, घबरा जाते थे कि अब क्या सच्चाई निकल करके आएगी, और जिस तरीके की कुख्यात सच्चाई, खून की सच्चाई, लोगों को मरवाने वाली सच्चाई, पीएफआई की सच्चाई, जनता की लाशें गिराने वाली, गोलियां चलवाने वाली सच्चाई निकल करके आप लोगों ने निकाली है ना कल, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे आप महाभारत करते हो, देखिए जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो बड़े अधर्मी लोगों ने कोशिश करी थी कि 5 भाई पांडव हार जाएं, लेकिन 5 पांडवों ने 100 कौरवों की लंका लगा दी अच्छी तरह से, और आज तो पांडवों की जो सेना है वो कौरवों से बहुत बड़ी है सुचारिता, ये आज का ये नए जमाने का महाभारत है। रावण का भी अहंकार था, प्रकांड पंडित था, आफ्टर ऑल मैया, आपने बिल्कुल सही कह दिया ममता, क्या बात कर रहे हैं कि आपने ये खरीदी है टीआरपी, ये कितना झूठ बोलेंगे, ये बार की मॉनिटरिंग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कह दिया, कौरवों और पांडवों के बीच की महाभारत, और उसमें पांडव 5 थे, पर पांडवों ने कैसे परास्त किया था, आपने बिल्कुल सही कहा। अनन्या ये कहना कि बार्क की रेटिंग, उसे छेड़छाड़ की गई, आरोप लगाना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, कहां से सबूत आए उन लोगों से, यानी कि जो संस्था चैनल रेटिंग दे रही है वही संस्था खुद पर आरोप लगा रही है कि पैसे देकर रेटिंग देते हम। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिपब्लिक इट इज सो डिफिकल्ट, जिस हिसाब से रिपब्लिक सारे केसेस कवर कर रही है, स्पेशली सुशांत के केस में जो आई विटनेसेस और प्रूफ लाना, इट इज सो डिफिकल्ट, किसी से स्टिंग ऑपरेशन निकलवाना, सारे एविडेंसेस प्रूफ बाहर निकलवाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट रिपब्लिक इज डूइंग, कोई और चैनल ने इतना डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सो आई एम वंडरिंग कि आर दे स्केयर्ड कि रिपब्लिक शायद और डीप इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बाकी केसेस में, आई रियली डोंट नो कि इतना मुश्किल होने के बाद भी रिपब्लिक जब बात सामने लाती है तो लोगों को क्या डर है कि ये और डीपली इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिन में इतने बड़े बड़े एक्सपोजर दिए रिपब्लिक ने जो बाकी चैनल्स ने नहीं दिए, जो यही तो खीज है ना अनन्या, यही खीज है, तो ये डर है कि रिपब्लिक और डीपली जा सकती है बाकी केसेस के अंदर, शायद ये रीजन तो नहीं है जिसके लिए ये बात आज उठी है। 3 महीने से तो ऐसी कोई बात नहीं उठी, रिपब्लिक तो 3 महीने से बहुत बहुत बोल रही है बहुत केसेस में, तब तो किसी ने बात नहीं उठाई। ये आप सोचिए, ये मैं तो अपने दर्शकों से पूछ रही हूँ, मैं अपने दर्शकों से पूछ रही हूँ, वो बताए कि मेरे दर्शक सुन रहे हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको हंसी आती कि नहीं आती है, घरों को जाकर 400-500 रुपए, घरों को जाकर पैसे दिए गए, टीआरपी मीटर चलाए जाए, भाई ये क्या क्या लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं प्रदीप, ये मैं ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने पैसे देकर टीआरपी बांट ली, यानी ऐसा लग रहा है इन्हें पता है कैसे टीआरपी आती है, इन्हें पता है कैसे टीआरपी आती है, यही कर रहे थे क्या ये? अरे ये आंखें बंद कर चुके हैं,
सुचारिता ये अंधे होने का एक्टिंग कर रहे हैं। अरे जाके खोलिए सोशल मीडिया, एक एक बच्चा बच्चा रिपब्लिक के साथ खड़ा है। आई स्टैंड विद रिपब्लिक, आई स्टैंड विद अर्नब, वी स्टैंड विद रिपब्लिक, देश भर का नंबर वन ब्रांड है। अगर दम है तो अपने बड़े बड़े बंगलों के बाहर निकलो और जनता से बात करो। एक एक बंदा कहेगा कि वो रिपब्लिक के साथ है और ये लोग जनता को गाली बकरे। अरे जो 12 करोड़ से 14 करोड़ 15 करोड़ लोग देख रहे हैं, क्या वो बेवकूफ है, क्या वो अंधे है, कैसी घटिया बात करते हैं ये लोग। और वही लोग जब इनको पहले देख रहे थे तो वो उसी टीआरपी की बात करते थे। इन लोगों को देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और कोर्ट में ये लोग हारेंगे। सुचारिता, ये सर मैं तो सीधे ये कह रही हूं, प्रदीप सुनिए, कोर्ट की बात तो बाद में होगी, पहले जनता से हारेंगे। वो हार तो मिल चुकी है, वो हार मिल चुकी है, आगे भी मिलेगी अगर इसी तरह के बेहुदे आरोप लगाए जाएंगे। मैं खुलकर कह रही हूं, चैनल का नाम लेकर आपको लग रहा है कि लोग आपको देखेंगे, चैनल का नाम लेकर आपको लग रहा है कि आप आगे हो जाएंगे तो आपको हश्र पता लग जाएगा। ये जनता की लड़ाई में तो पहले ही हार चुके हैं। श्वेता जी मैं आपसे पूछ रही हूं, श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता जी, एक ऐसे सिस्टम पर सवाल आप उठा रहे हैं जिसको आप खुद मानते रहे हैं, किस पर यह अटैक है, क्या दिख नहीं रहा है? मुंबई पुलिस कमिश्नर आकर क्यों अटैक कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है? 66 दिन की उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर हमने सवाल उठाए, इसीलिए बौखलाहट है, डर है, क्या है? नहीं देखिए सुचारिता जी, देखिए ऐसा है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को सवाल उठाने का हक है, वो मुंबई पुलिस कमिश्नर है इसलिए सवाल उठा रहे हैं, ये उनका काम है। यानी और कोई सवाल नहीं है ना महाराष्ट्र में, मुंबई में जायज है। मैं दो तीन प्रश्न मेरे भी हैं और आपके भी अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि देखिए, जब भी पुलिस कोई इंक्वायरी करती है तो किसी ना किसी का कंप्लेन होता है, तो ये किसका कंप्लेन था जिसके बेसिस पे ये पूरी इंक्वायरी की गई, फेक अकाउंट्स निकाले गए? तो सर्वप्रथम पुलिस को यह बताना चाहिए, क्योंकि हजारों कंप्लेंट पड़े रहते हैं। सुशांत के पिताजी का कंप्लेंट आया, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, तो इसलिए किसका कंप्लेंट था? तीसरा, ये मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया, आपने कहा कि दो चैनल्स की इंक्वायरी पूरी हो चुकी, दो चैनल्स की इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और उन्होंने एक तीसरा नाम भी फेंका, तो उसकी इंक्वायरी पूरे होने तक वो रुके क्यों नहीं कि पुलिस उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते? देखिए ऐसा है, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, आप और मेरा अपना पर्सनल मानना यह है, ये तो खास अर्नब और आप लोग बता सकते हैं, चैनल चलाना आज के दिन में कोई भी धंधा चलाना बहुत ही नेगेटिव, और खासकर चैनल चलाना बहुत ही नेगेटिव अर्निंग का बिजनेस होता है। तो मुझे बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे दर्शक समझे, 400-500 रुपए दे सकते हैं। हाँ, ये हमारे चैनल, ये हमारे दर्शक समझे, और मेहनत की कमाई से एक पत्रकार अगर चैनल अपना बना रहा है तो सोचिए उस पर आप हमला कर रहे हैं, जो सालों से मीडिया संस्थान खड़े हुए हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, फिर वो तो मैं ये मानकर चलूं कि कई सालों से खरीद रहे होंगे दर्शकों का भी अपमान कर रहे हैं आप। चांदनी शाह मेरे साथ जुड़ गई, चांदनी, आप दर्शकों का भी अपमान कर रहे हैं, अगर वो किसी और चैनल को देखेंगे तो आप उन पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। पहली बात तो सुचेता, आई डोंट इवन नो कि ये जो इल्जाम लगाए हैं उन्होंने, वो किस बेसिस पे लगाए हुए हैं। आप किस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये पैसे 400-500, व्हाट इज द सैंपल साइज, हु टोल्ड यू? आपने अभी तक, ऐसा है तो आपने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है? अगर आपको ये इतना पता है तो आपने ऐसा, हमारी जो कंट्री है, वी आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास IPC है, CRPC है क्रिमिनल चीजों के लिए, हमारे पास क्या कहते हैं, एविडेंस एक्ट है। सो इफ ऑल दीज आर एग्जिस्टिंग एंड इफ यू नो दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो आपने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है? दिस इज टोटल मॉकरी ऑफ लॉ, दिस इज द मॉकरी ऑफ ये अपने कानून का मजाक उड़ाना, आप कह रही हैं मॉकरी ऑफ लॉ है, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मंशा वो नहीं है ना चांदनी, मंशा बहुत क्लियर है। अनुजा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, मंशा बहुत क्लियर है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सबसे बढ़िया चैनल है, लेकिन लोग रिपब्लिक को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पैसा दे रहा है लोगों को, आप ये बताना चाह रहे हैं, कि वरना रिपब्लिक कोई नहीं देख रहा है। अब आप उन्हीं लोगों को कह रहे हैं, उन्हीं लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो आपका चैनल देखा करते थे लेकिन अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। अनुजा,
तो ऐसा है ना, आईटी वालों को बोलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करें, हमारे को बता दे कौन से ट्विटर के अकाउंट या कौन से बंदा जो है वो पैसे दे रहा है, आपने लिए हमने लिए किसको पैसा दिया है, तब नाम लिखा देना हम सबके, कौन कौन से बंदे हैं सामने आ जाएंगे, और जहां तक की हुआ उन सबके अगेंस्ट FIR कर दे, उन सबके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर दे, भाई हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और आप लोग जो बात कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले टक वाले चैनल जो थे वो अचानक से इतने टाइम से इतने सालों से नंबर वन में थे, तब ये मुंबई पुलिस को कभी होश नहीं आई, तो क्या क्राइम तब नहीं हो रहे थे, क्या उस टाइम पे वो लोग बात निकाल के नहीं लाते और थे? उसी संस्था पर रिसेंटली, क्योंकि वो आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी रेटिंग आप खुद मान रहे हैं, इंटरव्यू कर लिया इसलिए वो आपके साथ की पार्टी हो गई, और हमने अगेंस्ट चले गए तो इसलिए हम अगेंस्ट वाले हो गए, इसलिए हमारे नाम का तुम आप निकाल कर हमारी हमें दिखाओगे कि हम हमारी धज्जियां उड़ा रहे हो, तो हमारी धज्जियां कहीं नहीं उड़ रही है, धज्जियां उड़ रही है आपकी सर, आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने आपसे रेजिग्नेशन मांगा था, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आज भी CBI ने अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे दुख है जिस तरीके से आपने यहाँ पे करके दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त भी करके दिखाते बिल्कुल, जब सुशांत का केस निकल के आया था सामने, तो उस वक्त आप बात करते इस चीज के बारे में, तीन महीने तक अनुजा आप बोल रहे हैं क्या होती है TRP, आप लोगों को समझा रहे हैं भाई क्या होती है TRP, कैसे इस TRP से चोरी हो रही है, कैसे पैसे देकर TRP चोरी हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ पता है चोरी कैसे करी जाती है, तो ये तो वही बताएगा जो खुद चोरी कर रहा हो, ये तो वही जानता है इतनी डिटेल में जो खुद चोरी कर रहा हो, एक एक स्टेप बताया जा रहा है भाई, तो ये वही जानता है जो खुद चोरी कर रहा हो। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि बार की रिपोर्ट में रिपब्लिक का नाम नहीं है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, बात ने जो रिपोर्ट दी उसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का कोई भी जिक्र नहीं है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं है। जो लोग ये झूठी खबर आपको दिखा रहे हैं उनसे पूछिए कि आइए बताइए ये TRP की चोरी की झूठी खबर आप क्यों चला रहे हैं। बार्क की रिपोर्ट में जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं है, रिपब्लिक TV का नाम नहीं है, तो ये झूठी खबर आप क्यों चला रहे हैं, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है। निगत अब्बास जुड़ गई है मेरे साथ, निगत अब्बास आपकी मंशा साफ है, उसी आप एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी रेटिंग अभी तक आप मानते हैं, और अब आपके लिए वो झूठी फर्जी बिकाऊ हो गई। सुचारिता बिल्कुल सुचारिता, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं डिबेट में जुड़ी हूँ, तो मुझे मैंने एक महिला को कहते हुए सुना कि जो बंबई की पुलिस है वो तो सवाल करेगी ही, वो तो उनका हक है, बिल्कुल, लेकिन ये बंबई की पुलिस कहाँ सोई हुई थी जब कंगना रनौत का ऑफिस इलीगल तरीके से तोड़ दिया गया था, ये कहाँ गई थी पुलिस जब ट्रक जो ट्रक के पेडलर्स है वो खुलेआम घूम रहे थे, ये कहाँ गई थी जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस चल रहा था, विडंबना देखिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र में गिव एंड टेक की सरकार चल रही है, ये केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार हमला करती है, और यहाँ पर पुलिस चौथे स्तंभ यानी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर मीडिया पर हमला कर रही है, क्योंकि आज इनके चिट्ठे खोले जा रहे हैं, क्योंकि आज इन्हें इनकी असलियत बताई जा रही है, क्योंकि आज इन्हें बताया जा रहा है कि ये झूठे थे, क्योंकि आज इन्हें आईना दिखाया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स का समर्थन करते रहे, ये बॉलीवुड में उन लोगों का समर्थन करते रहे जो मर्डर में इन्वॉल्व थे, जो लोगों को जबरदस्ती डिप्रेशन कराते थे, आज उनका मुखौटा उतार दिया अगर रिपब्लिक भारत ने, महाभारत के चैनल ने और अर्नब ने और सुचारिता ने, तो ये लोग तितर बितर हो गए, तो इनके ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक मिर्ची लगने लगी, और कमिश्नर साहब को ये लगने लगा चलिए अब TRP का गेम खेलते हैं, और आर भारत को बोलते हैं पैसे से खेला गया। अरे भाई पैसे से तो आपकी सरकार ने आपको खरीदा था, गिव एंड टेक आप लोगों ने करा था, क्योंकि बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आपको पैसा दिया, इसलिए जो कमिश्नर थे वो चुप रहे, इसलिए कमिश्नर ने निरंतर ये कोशिश करी कि सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई बाहर ना आए, निरंतर ये कोशिश करी कि ड्रग पेडलर साफ तरीके से छूट जाए, आज इन लोगों को डर लग रहा है, तो ये रिपब्लिक भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनसे पूछिए ना, महाराष्ट्र में इतना बड़ा दफ्तर है, आज नोएडा में इतना बड़ा दफ्तर है, दिल्ली में इतना बड़ा दफ्तर है, अगर TRP पैसे लेकर खरीदनी होती ना तो बहुत पहले खरीद गए होते, लेकिन आज रिपब्लिक भारत अगर अपने आप नंबर वन पे चल रहा है तो अपने बलबूते पे, क्योंकि निडरता के साथ आप लोगों ने और निगत खून निगत हम बोलते हैं जो
जो कहावत है खून पसीना बहाकर ही मेहनत रंग लाती है, वो पसीना मुंबई की सड़कों पर प्रदीप भंडारी ने बहाया। हमारे साथ हैं वो, उनको आप देख रहे हैं मुंबई में डटे हुए कितने महीनों से। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सिपाही ने पसीना बहाया है वो जानता है इस रेटिंग का मोल, वो जानता है इस प्यार का मोल जो हमारे दर्शकों ने हमें दिया है। काम किया क्या या हमने नहीं देखा? बिल्कुल निगत, बोलिए। लोगों को सर पर बिठाने वाले दर्शक हैं, दर्शकों की वजह से आज आपका चैनल नंबर वन है। और अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने आपको नंबर वन पर पहुंचाया है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपके न्यूज चैनल को बड़ी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एक और बात कहूंगी, आपने अर्णब गोस्वामी को सुना, आपने अर्णब गोस्वामी को इस झूठ इस पाखंड पर सुना है, लेकिन बस कुछ मिनटों बाद अर्णब गोस्वामी आपके साथ फिर जुड़ेंगे और अर्णब गोस्वामी सीधे सीधे वो सवाल करेंगे जो इनको चुभते हैं, जिन सवालों से वो डरते हैं। बस थोड़ी देर बाद इस लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं अर्णब गोस्वामी, और उसी लड़ाई से इन लोगों को डर है। श्वेता जी आप मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये सवाल जो आपने कहा कि सुशांत के परिवार ने एफआईआर की, उस एफआईआर पर मौन, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं, उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं हुआ, फिर सीबीआई आई, अगर उस इन्वेस्टिगेशन पर कुछ बोल लेती मुंबई पुलिस जैसे आज आकर बोल रही थी तो शायद इंसाफ मिल गया होता आज। देखिए ऐसा है सुचारिता जी, हम टीआरपी के मुद्दे पे मैं पिछली बार बोल रही थी उसको ख़त्म करना चाहूँगी। आप नाहक परेशान हो रहे हैं आप लोग पूरे चैनल वाले, क्योंकि एक तो अभी तक इंक्वायरी आपके ऊपर हुई नहीं है, आपका नाम ऐसे ही ले लिया गया नहीं, है नहीं, दूसरी परेशान नहीं है श्वेता जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, सरकार यहां बैठी है, एक बात मैं कह दूं, उसके बाद आप अपनी बात कहिए, आपको बताना चाहती हूं इनको, लेकिन झूठे नरगल आरोप हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। अब आप अपनी बात रखिए, ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि आज तक ये लोग 200 300 500 रुपए में वोट खरीदते आए, अब इनको लगता है कि टीआरपी भी वैसे ही खरीदी जाती है। आप याद कीजिए तो सुधीर चौधरी के ऊपर विछंट किया था ये कांग्रेस की सरकार थी उसी समय, और क्या हुआ, 2 दिन कस्टडी पे रखा था। तो ये इनका पैटर्न है, आप लोग यदि सत्य के राह पे चलते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोर्ट और पूरा प्रावधान ऐसा है और हमारा देश का कानून ऐसा है और पूरी व्यवस्था ऐसी है कि किसी कभी भी अन्याय किसी के साथ भी होने नहीं देगी। ये बात आपने कही, मैं मुझे लगता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हम सब देश के कानून में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम डरते नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, ममता काले के पास मैं जा रही हूं, प्रदीप मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि प्रदीप देखिए मुंबई में अभी भी खड़े हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, ये इंसाफ की आवाज। प्रदीप पहले आपके पास आ जाती हूं फिर ममता जी के पास जाऊंगी। प्रदीप मुझे बताइए, जो पसीना आप सुबह से लेकर रात तक बहाते हैं उसका मोल आप ही समझते हैं, हम ही समझते हैं? बिल्कुल सुचारिता, और हम लोग जनता के बगैर कुछ नहीं है, हमने रिपब्लिक ने अर्णव ने खून पसीने की मेहनत के साथ में जनता का ये विश्वास जीता है, क्योंकि हम सिर्फ सच सच और सच बोल रहे हैं, और जब आप सच बोलते हैं तब ये जो घड़ियाली भेड़िए होते हैं जो झूठ के साथ खड़े होते हैं, कहावत है कि शेर जो होता है हमेशा अकेले चलता है, तो इस वक्त क्योंकि हम सच्चाई के साथ है इसीलिए ये सब लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी जो पूरी पावर है वो छीन ली गई है जो झूठ की उसमें आधारित थी। और वापस से कहूंगा सुचारिता, वही रेटिंग जिनने तक को 18 साल का घमंड दिया, उसी रेटिंग उसी जनता ने, क्योंकि ये झूठ के साथ रहे, हम सच के साथ रहे, क्योंकि हम सुशांत के साथ रहे, इनको उखाड़ फेंका, तो ये समझ नहीं पा रहे और ये जाकर सत्ताधारी लोगों के साथ मिलकर झूठे केसेस कर रहे हैं। सुचारिता पर आप घबराइए मत, आप भी 100 दिन से लगी हुई है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनमें दम नहीं है, ये रोक ही नहीं सकते, क्योंकि इस देश का संविधान हमारे साथ। सोचिए अपने चैनल, कुछ चैनल सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम लेकर खबर चलाने में लगे हुए हैं, सोचिए कि उनकी झुंझलाहट कैसी होगी कि उनके स्क्रीन्स पर सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चल रहा है, रिपब्लिक टीवी का नाम चल रहा है। ममता जी ये बौखलाहट और ये डर है। मैं रिपब्लिक भारत पर गर्व से अपने चैनल का नाम लेती हूं, कुछ चैनल तो अब हमारा ही नाम जप रहे हैं।
सुचारिता, सबसे पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आज मुझे ना रिपब्लिक भारत के जितने भी आप टीम वाले लोग हो ना, वो शेर और शेर भी ना लग रहे हो, बाकी दिन से भी ज्यादा तरीके से रोर कर रहे हो। आप हो, प्रदीप हो, अर्णब गोस्वामी हो, बैक एंड से लेके आगे तक की टीम हो, सारे रोर कर रहे हो, रोर। और इसलिए कर रहे हो क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि पता है कि इन लोगों ने झूठ बोला है। तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है। मैंने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया था, आपको यकीन नहीं आएगा इतने मैसेजेस आ रहे हैं, विश आई कुड शो यू बट नहीं दिखा पाऊंगी, कि वी आर विद अर्णव, वी आर विद महाभारत, वी आर विद प्रदीप, वी आर विद सुचारिता, वी आर विद ऑनेस्टी। तो ये सारी चीजें जनता लिख रही है। आप बोलेंगे कि जनता को भी अर्णब गोस्वामी ने खरीद दिया है, हम जैसे लोगों को भी अर्णब गोस्वामी ने खरीद दिया है। इनको क्या लग रहा है, ये शाहीन बाग में की बीबियों वाला कोई धरना चल रहा है क्या, जहां पर रेट लगे थे 500, 300, 200 बिरयानी के साथ? ये क्या कोई चुनावी रैली है क्या, जहाँ 200 लोग आकर के चले जाते हैं? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, बिल्कुल सही कह रही है, व्हाट नॉनसेंस। मैं तो ये कह रही हूँ निगत, जो लोग ये कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं भाई कि टीआरपी की चोरी कर सकता है कोई चैनल, तो वो पहले खुद अपने गिरेबा में झांक कर बताएं कब से चोरी कर रहे थे वो, कब से चोरी कर रहे हैं वो। अरे सुचारिता, मजे की बात देखिए, ये जो लोग टीआरपी की बात कर रहे हैं, आज आप ही के चैनल का नाम माला में जप रहे हैं और आपको टीआरपी दिला रहे हैं, और फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि टीआरपी रिपब्लिक भारत की और रिपब्लिक टीवी की कैसे जा रही है। अरे भैया, आप ही लोग तो करा रहे हो, आप ही लोग तो हो जो आगे आकर रिपब्लिक भारत का नाम ले रहे हो, क्योंकि आप लोगों से ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, आप लोग ये देख ही नहीं पा रहे। और क्यों रिपब्लिक भारत आगे है, क्योंकि आज नहीं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती का केस नहीं, सिर्फ कंगना को न्याय दिलाने की बात नहीं, आप हिंदुस्तान के साथ तब से डटे हुए हो, जब से ट्रिपल तलाक की बात हुई, जब से 370 में आपने सुचारिता गली गली जम्मू कश्मीर की नापी है, जहां पर खुले भेड़िए की तरह लोग रिपब्लिक भारत के लोगों को, क्योंकि आप लोग सच दिखाते हो, मारने के लिए ढूंढ रहे थे, तब आप लोग सर पर कफन बांध कर निकले थे, और आज भी महाराष्ट्र में खुले भेड़िए ढूंढ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, क्योंकि आप उनका भांडा फोड़ कर रहे हैं, वो आज भी आपको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। पर आप लोगों के निडर रिपोर्टर, चाहे प्रदीप हो, चाहे सुचारिता हो, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे तमाम वो रिपोर्टर्स हो जिनके नाम मैं अभी शायद ना ले पाऊं, लेकिन वो सर पर कफन बांध कर निकले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे अव्वल दर्जे पर असलियत होती है, सच्चाई होती है। जब आप लोग आज सच बोल रहे हो ना, तो आज वो जो चाटुकारिता वाले पत्रकार हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कराया पैसा लेकर उन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कराया, और आपने बिल्कुल सही कहा निगत, भेड़िया भले ही ढूंढ रहे हो, लेकिन शेरों को भेड़ियों से डर नहीं लगता है, जो बात प्रदीप ने कही थी, भेड़िए भले ही ढूंढते रहे लेकिन शेरों को डर नहीं लगता है। और जो जन समर्थन, जो जनता का प्यार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को मिला है, उस प्यार से ये डर है, उस समर्थन से ये डर है, तो जो डरते हैं वो डरते रहे, रोक सको तो रोक लो। ये लगातार कवरेज जारी है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत पर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां लेना।